इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 2 अक्टूबर, दो अहम खबरें। सबसे पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यौम पैदाइश, और दूसरा है कि आज ही के दिन एक ढोंगी बाबा ने हिंदू राष्ट्र का आज अगर ऐलान ना किया तो सरयू नदी में डूबकर मरने की धमकी दी थी। दोनों खबरों पर एक एक कर तबसरा करेंगे। सबसे पहले साबरमती के इस संत को सलाम जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र यानी जमहूरियत का सबक पढ़ाते हुए मुल्क को आजाद कराने में अपनी जिंदगी सर्फ कर दी। इसी महात्मा को सलाम करते हुए दूसरा पहलू ये भी है कि आज इसी कातिल यानी नथुराम गोडसे के हिमायती सत्ता पर काबिज है। ये इस लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक नहीं तो क्या है, जिन्होंने देश की आजादी में कुर्बानी तो दूर की बात, उल्टा मुजाहिदीन आजादी के मुखबिरी चापलूसी अंग्रेजों से करके अपना नाम वीर में शामिल करने की कोशिश भी जारी है। गांव शहर के नाम बदलकर नफरत का एजेंडा चला रहा है। लिहाजा आज यौम पैदाइश पर देश के उस अजीम महात्मा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी का एक कौल भी काफी मशहूर है, अगर मेरे पास इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की तरफ 72 चाहने वाले हिमायती होते तो इस मुल्क को 24 घंटों में अंग्रेजों से आजाद करवा देता। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती कह सकते हैं कि आज ही के दिन देश के पहले दहशतगर्द नथुराम गोडसे को याद किया जाता है। नथुराम गोडसे को महात्मा बनाने की कोशिश भी जारी है। देश के वजीर आजम जिस विचारधारा से आते हैं वहां गोडसे की ही तो पूजा की जाती है, लेकिन विदेशों में जाते हैं तो गांधी का नाम लेने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि गोडसे को सिवाय संगियों के कोई जानता नहीं है। खैर, आज के दिन महात्मा गांधी को इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि देश के इतिहास यानी तारीख को भी बदलने की कोशिश की जा रही। टीपू सुल्तान जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाकर गुलाम लोगों को आजादी का सबक पढ़ाया, यह और बात है कि आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद को भी हिंदू विरोधी दहशतगर्द जैसे अलकाब से इन्हीं गोडसे की नस्ल से पैदा हुए लोग नवाजने की कोशिश करते रहते हैं। पर कहते हैं आसमान पर थूकने से क्या होता है। स्कूली किताबों से मुगल बादशाहों मुस्लिम रहनुमाओं के साथ असल मुजाहिदीन आजादियों के नामों को मिटाकर भगवा एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर को और एक अहम खबर यह थी कि पूरी दुनिया किसी के डूब कर मरने के इंतजार में थी, पर उसने आखिर में धोखा दे ही दिया। बचपन से मैं एक मुहावरा सुनता आ रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब मुझे आज मालूम हो। वैसे भारत में ढोंगियों की कमी नहीं है। ढोंगी बाबा तब फूलते फलते हैं जब एक माशरे का बड़ा तबका जहालत के अंधेरे में खोने लगता है। आज महंत जगत गुरु आचार्य परमहंस ने ऐलान किया था कि अगर 2 अक्टूबर को मरकजी हुकूमत यानी मोदी हुकूमत भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील नहीं करेगी तो सरयू नदी में डूब कर जान दे देगा। पूरे मुल्क की नजरें सरयू नदी की तरफ थी। किसी तरह से महंत आकर सरयू नदी में डूब जाए। आज कोई डूबने वाला है इसका इंतजार काफी लोगों का। वैसे फैसले तो बुरा नहीं था, लेकिन शायद योगी मोदी अमित शाह ने इसे बड़ी संजीदगी से नहीं लिया। महंत परमहंस की और भी मांगे थी कि मुसलमानों और ईसाइयों की शरीयत को भी रद्द कर दिया जाए, लेकिन दोनों भी काम नहीं हुए। ना तो मुसलमानों को ईसाइयों की नागरिकता यानी शरीयत को रद्द हुई, और वो खुद भी जल समाधि नहीं ले पाया यानी पानी में डूबकर मरने के फैसले से मुकरने पर सोशल मीडिया पर भी बाबा ट्रोल हो रहे थे। वैसे तो मरने के और भी रास्ते हैं, जान ही देना है तो कैसे भी दी जाती है, लेकिन महज एक स्टंट खड़ा करने की आदत भारत में कई बाबाओं को पड़ी हुई है। अक्सर कोई ना कोई आके इस तरह के बयान दे देता है ताकि खबरों में छाए रहे। साथ में इसके पीछे हुकूमत भी होती है कि हिंदू राष्ट्र का माहौल चुनाव के मद्देनजर बनता रहे। वैसे भी पिछले 3 दिनों से डीजल पेट्रोल के दाम मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, और कितना तारीखी ऊंचाइयां महंगाई हासिल करने वाली है मालूम नहीं। तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी गरीब आवाम को दिया ही जा ही रहा है, ये भी बात उतनी ही सच्चाई है। भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आप देख सकते हैं कि देवी देवताओं की तस्वीरें, छोटे मंदिर तमाम सरकारी दफ्तरों में, पुलिस थानों में मौजूद है। किसी काम की शुरुआत नारियल फोड़कर ही तो की जाती है। यहाँ तक सड़कों को बनाने की रस्म भी कारपोरेशन के आला अफसरान की जानिब से पूजा पाठ करके ही की जाती है, और किस हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। खैर, संविधान को बदलना चाहते हैं, आईने हिंद की तब्दीली भी हिंदू राष्ट्र के मंसूबे का ही हिस्सा है, तभी तो संसद से करीब संविधान की कॉपियां जलाई जाती है। खैर, आज महंत ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लिहाजा एक बोतल यानी कि पानी का कैन लेकर
जिसमें सरयू नदी का पानी लाया गया है, इसी में नाक को डुबोकर वो जान देने की कोशिश करी गई। अब इस बयान पर भी इस महंत की फजीहत हो रही है। उधर यूपी पुलिस भी अयोध्या में बाबा के घर पहुंचकर बाबा की सुरक्षा में लगी हुई है। मतलब किस तरह का तमाशा किया जा रहा है, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। महंत ने सोचा था कि लोग इन्हें बचा लेंगे, पर ऐसा ना होते हुए लोग इनकी जल समाधि का इंतजार करने लगे। सोशल मीडिया पर एक तरह का मजाक महंत आचार्य परमहंस बन चुके हैं। खिल्लियां उड़ाई जा रही है, पानी में गया परमहंस हैशटैग चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का पूरे दिन तमाशा सोशल मीडिया पर चलता रहा। आज गांधी जयंती के मौके पर इस तरह के दो अहम वारदाते दिन भर चर्चा का मौजू है। उम्मीद करते हैं जैसा इत्तेहाद न्यूज़ के दिगर मौजूदों को आप सभी पसंद करते हैं, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। वैसे तो बेलगाम शहर में कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीत कराए 14 कॉर्पोरेटरों के गुलपोशी के इजलास अभी भी जारी है। लिहाजा उज्जवल नगर के 7 जमातों की जानिब से आज तमाम जीत कराए उर्दू कॉर्पोरेटरों की गुलपोशी शालपोशी फरमाएगी। इस वक्त उलमाए कराम भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया। आइए उस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बात इन्होंने बताई कि 7 जमातों ने मिलकर एक रिवोल्यूशन किया,
एक काम किया है वो भी हमारे साथ में एक नमूना है। क्या मतलब? मैं कॉर्पोरेटर हूं और मेरे जितने भी बाउंड्री है इसका मैं जिम्मेदार हूं, इसके बारे में कयामत के दिन मुझे पूछा है। मुझे फिक्र करना जानी बेवा यतीम भूखा और स्वयं जिन्हें मिली यहां कोई परेशान कायनात में इसमें कोई दो राय नहीं कि खैर उम्मत है, बेहतरीन कौम है, इन्हें अशरफ व आला होने का शरफ हासिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ फरमाया तुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन कौम। लकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को कायनात में इज्जत और शरफ से नवाजा और फिर बनी आदम में उम्मत मुहम्मदिया यकीन सबसे बेहतरीन उम्मत और कौम। लेकिन साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम पे यही इरशाद फरमाया وَأَنْتُمُ الْعَالَمَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, तुम ही बुलंद हो, तुम ही साहिब फजीलत हो, अजमतें और बरतरिया तुम्हारे लिए है, इज्जत वकार तुम्हारे लिए। क्यों? इसलिए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन साथ फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन तो मतलब यह है कि हमारी अजमतों का मेयार, हमारी फजीलतों का दारोमदार, हमारी बुलंदी और शरफ का की बुनियाद यकीनन हमारे ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेलगाम में एक बड़ी तादाद में हमारी कौम और मिल्लत के अफराद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहसे थे, कॉरपोरेटर आज मुंतखब होकर के आए हैं। अब इस सिलसिले में जहां पर शहर बेलगाम के बेशुमार जिम्मेदारान ने इनकी खिदमत में इस्तकबालिया पेश किया, आज सात जमात वाले भी पेश कर रहे हैं। इस्माइल हंशन मनी साहब, मैं तवज्जो का ताना हूं इसलिए कि तारीफी कलमात मैं नहीं बोलूंगा और हमारी बातें बहुत देर के बाद जो है वो शायद किसी को समझ में आए। वक्ती तौर पर तो जो बात हम कहते हैं उसकी अपोजिशन होती है, मुखालिफत होती है, लेकिन साफ दिल से साफ जहन से समझने की और सोचने की कोशिश करें। मैं एक जगह बैठा था, जैसे सर चला अभी इलेक्शन के पहले पहले, जैसा कि यहाँ पे हमारे कारपोरेट हजरात को और हमें कहा गया कि आप मुराद हो, लीडर हो, अमीर हो, तो मैं चाहता हूँ आप जैसा कहे अल्लाह उसको कबूल करे। और ये भी चाहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हमें मदद हो कि हमें लोगों की मदद खुलूस दिल से करने की हम कोशिश करें। मैं एक चीज जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का लीडर कौन है, तो एक दो चीजें हैं, एक होता है मुसलमान लीडर और एक होता है मुसलमानों का लीडर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी दुआ कीजिए कि मैं और हमारे साथी जो
हमारे यहाँ जितने भी हमारे जो हजरत और जमात वाले से वादा करता हूँ कि हमारे तरफ से कभी भी हम मुस्लिम कम्युनिटी का नाम खराब होती नहीं। और साथ ही साथ एक बात जहन में और आ रही है कि जब हम 14 कॉर्पोरेटर्स नॉर्थ से 13 और साउथ से 1 जब जिता सकते हैं तो इंशाल्लाह एमएलए भी जिता सकते हैं। इंशाल्लाह। तो जैसा ने कहा कि पिछले 10 साल हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त रोड, गटर, पानी ये चीज़ों के ऊपर ही गया, एजुकेशन, मेडिकल ये लाइन पे थोड़ा काम हुआ, जैसा मुस्ताक भाई ने कहा वो लेवल पर काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम 14 कॉर्पोरेटर्स बैठ के उसके बारे में एक बार प्लान बना के इंशाल्लाह कैसे काम करना है वो भी करेंगे। हम आपको जो एमएलए की नज़र में देखते हैं, अगर एक वार्ड का अगर काम अगर 14 कॉर्पोरेटर मिलकर करेंगे तो एमएलए से भी ज़्यादा की ताकत लेके काम करने वाले होंगे। और मैं बात को ख़त्म करते एक बात कहूँगा कि आप 14 कॉर्पोरेटर से मेरी आजीजाना दिली गुजारिश है कि एक तो पहला उर्दू भवन बनाओ, यहाँ अम्बेडकर भवन बना हुआ है, कन्नड़ भवन बना हुआ है, उर्दू भवन नहीं है, एक तो उर्दू भवन बनाओ पहले बात। और दूसरी जो बात है हमारे बस स्टैंड के सामने का जो है टीपू सुल्तान सर्कल जो नाम देश है वो टीपू सुल्तान सर्कल बनाने की फिक्र करो, ये मेरी दिली गुजारिश है आपसे। बस इतनी बात कर सकता हूँ। ये हमारी उज्जवल नगर की सातों जमातों के दावत पर उन्होंने अपना वक्त काढ़ा और इस फंक्शन में अटेंड हुआ। सातों जमातों की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टेज पर बैठे हुए उलमाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपना वक्त दिया और अपने इल्म से हम सबको नवाजा। बस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सातों जमातों के जानिब से कि बाकी के एरिया जो भी हैं, चाहे वो आजम नगर हो, वीरभद्र नगर हो, बहुत से जितने भी नगर हो, सब मैक्सिमम डेवलपमेंट के कगार पर हैं, सब डेवलप हो चुके हैं। एक वाहिद उज्जवल नगर हो या अमन नगर हो जहां पर रोड, गटर, लाइट का मसला, बहुत से मसाइल हैं,